डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का इंग्लिश असाइनमेंट अगस्त माह का। इसका फुल सॉल्यूशन देखेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हु डिड एम हैमिल्टन ब्लेम फॉर नेगलेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज़ लाइक फ्रेंच। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एम हैमलेट ब्लेम्ड द पेरेंट्स फॉर द नेगलेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज़ लाइक फ्रेंच बिकॉज दे वॉन्टेड देम टू वर्क टू अर्न सम मनी इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन एजुकेशन। एम हैमल ऑल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर हिज नेग्लिजेंस इन द टीचिंग। ही मेड द बॉयज़ वर्क इन हिज गार्डन विच मेड दैम मिस देयर लेसन एंड वेन एवर ही विज्ड टू गो फिनिश ही गेव देम ए हॉलीडे। ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वाट डू यू थिंक इज द थीम ऑफ द स्टोरी लास्ट लेसन। तो आप बता सकते हैं इसमें लास्ट लेसन जो है, एक्चुअली ये एक लैंग्विस्टिक जो है कैरेक्टर पे डिसाइड किया गया थीम है इसका, और यहाँ पर ये लैंग्वेज जो कितनी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में ये सब बताया गया है। तो ठीक है, और वो कितनी भेदभावनाएँ पैदा कर सकती है ये भी चीज़ इसमें बताया गया। तो ये है इसका सॉल्यूशन, आप इसको देख लीजिए और आराम से इसको आप उतार सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है कंप्लीट, आप देख सकते हैं। इसके बाद में आएंगे हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या दिया है, ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ था और इसको आपको रीड करना था, और इस रीड करने के बाद में ये चार क्वेश्चन पूछे गए थे जिनके आपको आंसर्स देने थे। पहला क्वेश्चन है, विच थॉट डिड द पोएट पुट अवे। तो फर्स्ट का आंसर ये है, द पोएट पुट अवे द थॉट ऑफ द डिस्ट्रेसिंग रियलिटी ऑफ हर मदर गेटिंग ओल्ड एंड ऑफ हर इम्पेंडिंग डेथ। ठीक है, ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा जो है, व्हाट डू द स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, द स्प्रिंटिंग ट्री सिग्निफाई टाइम दैट हैज़ पास्ड एट ए फास्ट पेस। ठीक है, ये सेकंड का आंसर आपको लिखना था। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट आर द मैरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स सिम्बोलिक ऑफ। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, मैरी चिल्ड्रेन एपिटोमाइज बबली यूथ दे रिप्रेजेंट द एक्सुबेरेंस एंड लाइवनेस ऑफ यंग एज। इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से। और चौथा जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई मदर एट 66 रिटन बाई कमला दास। ठीक है, ये हो गया आपका चारों का सोल्यूशन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर जो चार है ये आपका, ये थोड़ा सा बड़ा पैसेज है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट वाइज पैसेज दिया है, फिर इसके छोटे टुकड़े करके आपके MCQs टाइप में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ। ये आपका जो पैसेज था वो इस तरह से था, इसका थर्ड पार्ट आप देख पा रहे हैं, इसी तरह से आपका ये फोर्थ पार्ट भी है, और आपका फिर इसके बाद में फिफ्थ पार्ट भी है, और छोटा सा एक सिक्स्थ पार्ट भी है। ठीक है, तो इस तरह से सारा का सारा आपका पार्ट है, और इन पार्ट के हिसाब से अब आपको इसके आंसर्स देने हैं जो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, देयर वॉज द स्टाउट लेडी वॉकिंग, वेयर वॉज द। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट। सेकेंड है आपका, व्हाट इज़ रूल ऑफ द रोड अकॉर्डिंग टू द ऑथर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट करना है, टू बी कंसीडरेट टूवर्ड्स अदर। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया इसमें आपसे जो है, व्हाट वुड हैव बिकम सोशल अनरैची। तो यहाँ पे इंडिविजुअल लिबर्टी जो है ये इसको आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया, इसमें पूछा गया, व्हाट इज़ द मेजर डेंजर इन टुडेज़ वर्ल्ड तो ऑफ द सोसाइटी गेटिंग लिबर्टी ड्रंक। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना है। तो ये ग्रीन कलर में जो हाईलाइटेड आंसर हैं इनको आपको लिख लेना है, ये आपको चारों के आंसर ग्रीन कलर में कर दिए गए हैं। अब आते हैं हम पाँचवें क्वेश्चन पे। पाँचवा जो है इस तरह का आपका पैसेज है, और इस पैसेज को फिर से पढ़ना है और आपको यहाँ पे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो इस तरह का आपका पैसेज है, आपको पता ही है, आपके पास क्वेश्चन पेपर भी होगा, तो इस क्वेश्चन पेपर को आप अपने जो है आपके स्कूल से भी मिलते हैं, और आप चाहें तो इसको सॉफ्ट कॉपी में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह का ये पैसेज है, लंबा चौड़ा पैसेज है, जिसमें पेरेंट्स और चिल्ड्रेन सब के बारे में, बुक्स के बारे में सब बताया गया है कि कौन सी चीज़ किसको इफ़ेक्ट करती है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, व्हाट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग।
तो पहला जो है स्टार्टिंग में इसका जाएगा फीलिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है हाउ डज द रेंज ऑफ लैंग्वेज अफेक्टेड ए पर्सनस थिंकिंग। तो आप जब ये कुछ पैराग्राफ पढ़ के आंसर देंगे तो द रेंज ऑफ लैंग्वेज हेल्प्स असेंबल ए लिस्ट ऑफ आइडियाज़, कंसिडर दीज आइडियाज़, ड्रॉ कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन दीज आइडियाज़ एंड एक्सप्लेन हिज हर रीजनिंग। ठीक है, तीसरा है वाई डू बुक्स हेल्प इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्बल गिव एंड टेक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बुक्स हेल्प इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्बल गिव एंड टेक बिकॉज दे आर रूटेड इन लैंग्वेज। ठीक है, रूटेड इन लैंग्वेज। अब चौथा क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ एंश्योरिंग ए चाइल्ड्स एडिक्वेट लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा यूजिंग बुक्स, ये सबसे मेन पॉइंट लिखना था, यूजिंग बुक्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ एंश्योरिंग ए चाइल्ड्स एडिक्वेट लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ये इसका आंसर है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप सभी सब्जेक्ट के सोल्यूशंस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपके 12th क्लास की लिंक है उसमें देख सकते हैं और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।